क्यों दूं तेरे को वो 20 रुपए? मेरे पैसे हैं, वो इसलिए। आपके पैसे कहाँ से आ गए? आप कहाँ जाते हो कमाने, जरा मुझे बताना। तो मेरे वॉलेट में गए हैं वो जो पैसे हैं, मेरे को दे रखे हो किसने दिए हैं? रिलेटिव्स ने, मेरे को दिए हो। मतलब तूने पैसे से करना क्या? तुझे खाने पीने के लिए सब कुछ सामान घर पे आता है, बिस्किट है, चॉकलेट्स है, कुरकुरे खाने ही नहीं है। आपकी लीवर की दिक्कत ही ना, तो कुरकुरे नहीं खाने हैं। अब बताओ है कुछ जवाब? बैग बंद कर पहले, ये देख। बैग भी नहीं बंद किया आप करोगे, आपका काम है ये। ये गॉड। देखिए सामान भी यूं ही बिखरा पड़ा, ये देखिए 80,000 का बिखरा बिल हुआ है, अस्सी सामान। हजार का यार ये बड़ा लालची बंदर है। ओके बाय, मैं जा रही हूं। बाय बाय हर्षु, प्यार से बोलते हैं बाय। बाय। तो मेरे को करना पड़ता है, मैं स्कूल जाऊंगा अभी, अभी हाँ जा दो ठीक है ठीक मुझे। है, ओके बाय। फटाफट से बाय बोलो। बाय ब्रो, बाय बाय। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सब लोग? तो सुबह का टाइम है, फटाफट से मैं तैयार हो चुकी हूँ और जा रही हूँ स्कूल। आज मैं जाऊँगी अपनी कार से, क्योंकि स्कूल के बाद मुझे, स्कूल के बाद तो नहीं, स्कूल टाइमिंग में ही मुझे जाना पड़ेगा, कहीं किसी खास काम से जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं निकलती हूँ, सुबह के 10:15 का टाइम हो रहा है, आज 15 मिनट पहले जा रही हूँ। और गाड़ी को लगाऊंगी उधर धूप में, ताकि गाड़ी गर्म हो जाए। आज मैंने गाड़ी जो है सुबह जल्दी स्टार्ट कर दी थी, थोड़ी देर पहले इस पर गर्म पानी गिराया, शीशे पे, विंडशील्ड जो होती है ना फ्रंट वाली, इस पर गर्म पानी गिराया और फिर शीशे साफ किए। ये देखिए आज फर्स्ट सेल्फ ही स्टार्ट हो गई है मेरी कार। तो ये खुशी की बात होती है जब जल्दी स्टार्ट हो जाती, ताकि हम लेट ना हो। हर्षित भी स्कूल जा चुका है और बहुत कड़ाके की ठंड है बाहर, तो अभी मैं निकलती हूँ। सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, जाना तो है ही। पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी बात रहती है, पंक्चुअल होना अच्छी बात होती है। अगर लेजीनेस आ जाए तो फिर पूरा दिन बिस्तर पर पड़े 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 बोर से हो जाते हैं। अभी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम निकलते हैं, आपको मिलेंगे स्कूल पहुँच कर। मैं निकल गई हूँ प्ले स्कूल से बाहर, अब कहीं जा रहे हैं हम, वो मैं आपको बताऊँगी कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी मैंने लगाई है थोड़ा सा ऊपर धूप में, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। अभी देखो मैंने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करी है। अभी जब मैं आई तब यहाँ पे धूप थी बहुत अच्छी, अब देखो यहाँ से भी धूप जा चुकी है। ऊपर देखो पहाड़ों के पीछे सूर्य देव जी छुपन छुपाई खेल रहे हैं, तो मुझे लगा शायद यहाँ लगाने से थोड़ी गाड़ी जो है ना मेरी गर्म हो जाएगी, बट क्या पता कितनी गर्म हुई है। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे, बाहर ज़्यादा ठंड है, गाड़ी के अंदर थोड़ा सा गर्म है, क्योंकि धूप ना पीछे ही देखो ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ, पहाड़ों के पीछे जो है ये देखिए सूर्यदेव जी छुप जाते हैं। थोड़ी देर पहले इस साइड से धूप आई थी, यहाँ पे पहाड़ी थोड़ी सी, इस तरफ से पहाड़ी थोड़ी सी छोटी है, इस तरफ से पहाड़ी है ऊँची। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, मैं आज जल्दी क्यों आई हूँ, मैं जा रही हूँ आज कैंटीन, आर्मी कैंटीन जा रही हूँ मैं, और साथ में जाएगी ज्योति और संदीपा, तो उनका वेट करूँगी मैं ऊपर पेट्रोल पंप के जो टर्न है, जहाँ से हम इस तरफ के लिए टर्न लेके रामपुर की साइड, वहाँ गाड़ी में बैठ के वेट करती हूँ। 11 बजे का टाइम दिया मैंने उनको, तो आधे घंटे के लिए मैं स्कूल आ गई थी। बच्चे आज सिर्फ 3 बच्चे आए हैं आज, बताओ। एक्चुअली डीएवी स्कूल में जो है नर्सरी केजी 1 2 मतलब फर्स्ट सेकंड तक छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो बीमार पड़ रहे हैं, तो सभी पेरेंट्स ने मीटिंग करके जो है प्रिंसिपल से कह दिया कि हमें तो दे दो छुट्टी, 2-3 दिन बचे हैं स्कूल के, उसके बाद छुट्टी हो जाए। तो बच्चे जो है बहुत कम कम आने स्टार्ट होंगे, बल्कि पिछले कल तो ज़्यादा बच्चे थे, आज कम बच्चे हैं, तो 2-3 बच्चे तो आराम से हैंडल हो जाते हैं एक ही मैडम से। तो फिलहाल मैं निकलती हूँ, उनका वेट करती हूँ ऊपर, फिर जाते हैं हम आर्मी कैंटीन। मुझे लगता है पता नहीं एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलिए फिर चलते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अब काफ़ी दूर नज़र आ रही है मुझे, वो बहुत ही पीछे है अभी, तो 15 मिनट हो गए मुझे लगातार यहाँ पे वेट करते करते। वो देखो वो बहुत पीछे है अभी, ये देखो युगविन के पास पहुँची है। एक घंटा हो गया मुझे इंतजार करते करते, मेकअप करने में लगे थे अभी तक, मेकअप के साथ साथ इतना दूर बीमार को लेने, ये मुझे पता था, मुझे पता था ये बोलेंगे, पैदल चलने से स्वस्थ रहते हैं इंसान, ठीक है ना। कोई तो और कोई घंटा लगा, साथ साथ जो हमारा सांस फूला, एक बार में सोचने लगी थी मैं। हेलो बोलो पहले, इधर सोचा है आपने, हेलो हाय भी बोलो, ये गंदे ये मेकअप मेकअप करने में इतना टाइम लगा इन दोनों ने, पैदल आना पड़ा हमारे को। चलो फिर, तो जी ये पहुंच गए हैं हम आर्मी कैंटीन के गेट के पास, ही देखिए। हाँ जी कैंटीन जाना है हमने। हाँ जी कौन सी है यार,
क्या मना कर रहे क्या? तो जी फाइनली गेट हमने क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे जो है एंट्री होनी है, जो आर्मी कैंटीन वाले जो कार्ड्स होते हैं। एक्चुअली ज्योति के जो पापा हैं वो आर्मी ऑफिसर रिटायर है ना, आर्मी से। हाँ, आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो उनके पास कार्ड है। कार्ड होल्डर ही जा सकते हैं कैंटीन, बाकियों को परमिशन नहीं मिलती है। आ जाओ भाई साहब, हमें देख रहे हैं घूर घूर के आर्मी वाले। यहाँ पे पता नहीं वीडियो अलाउड नहीं है शायद। अच्छा गाड़ी गाड़ी की चेकिंग हो रही हो भाई जी? गाड़ी का नंबर नोट हो रहा है। हेलो अगली बार सनरूप की गाड़ी में ना, फिर आप ऊपर खड़ा। कैंटीन के पास आ गए हैं। ये देखिए पीछे, ये भी एक कैंटीन है, ये आर्मी एरिया है पूरा, बट ये वाली कैंटीन है बंद, तो यहाँ पे सामान नहीं मिलेगा। तो जो थोड़ा बहुत सामान हमने लिया है उसी लेकर चलते हैं अब सीधा घर। और 1 बजे का टाइम हो रहा है आई थिंक। टाइम बिल्कुल 12:30 हो गए, 1 बजे 1 बजे का टाइम हो रहा है। ये देखिए छोटा सा बच्चा भी है हमारे साथ, संदीपा की गुड़िया। तो अब चलते हैं घर की तरफ, सामान हमें मिला नहीं है, अब चलते हैं सीधा घर। और हम कर रहे थे अभी तक फोटोग्राफी और रील्स बना रहे थे क्योंकि यहाँ पूरा देखिए खाली पड़ा है। दो अंकल भी आए हैं, वो भी बेचारे काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कैंटीन के खुलने का। तो चलते हैं अब घर। कैंटीन तो खुली नहीं, इधर हम आए थे जब तक वो वाली कैंटीन खुलती है तब तक हमने आर्मी वालों का जो हॉस्पिटल होता है ना, वहाँ से दवाइयाँ ले ली फ्री में। तो यह आज हमने पूरा एक्सप्लोर किया है, आपको लोगों को प्रॉपर नहीं दिखा सकते मज़े किए हमने, आज का दिन वो याद रहेगा, मज़ेदार न्यू ईयर हमारा सेलिब्रेशन हो रहा है आर्मी एरिया में नीचे स्टडी चल रही है यार, ये नहीं आर्मी वालों की क्लासेस चल रही है यहाँ पे। किसी दिन मुझे किसी ने पकड़ लिया ना, मैं सीधा जेल में जाने वाली हूँ आज। यहाँ पे कैमरा वीडियो फोटोग्राफी वैसे अलाउड नहीं है, पता नहीं फिर भी हम बना ही रहे हैं। चलिए फिर रहने दो। तो हम इस ब्रिज पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, जब हम तीनों साथ होते हैं तो फोटो सेशन तो बनता ही है। देखा नीचे कूदना नहीं सामान तो हमें पूरा मिला नहीं, फोटो ही सही। हाँ आपको काफ़ी अच्छा सा व्यू दिखाते हैं। इस तरफ देखिए, ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अंधेरा, और इस वक्त हमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अभी हम सतलुज के ऊपर है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच फंसे हैं। यहाँ से मैं उस तरफ कैसे जाऊँ? ये देखो यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है। हाय मैं भी, ये जी गजल लवर और ये है फोटो लवर, ये है छोटा सा बच्चा जिसको भूख लगी है। ये देखो यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये देखिए ये है नोगली, ये रामपुर के लिए जो रोड जाता है, और बीच में देखिए नदी, खूबसूरत सी सतलुज। और पानी देखो कितना कम है, आजकल पत्थर नजर आ रहा है, विंटर्स में जो पानी काफी कम हो जाता है। और हम ब्रिज के ऊपर हैं, ये जो पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल रास्ता है, हम वहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए। उधर फोटो सेशन चल रहा है, काफ़ी इन्जॉय करते हैं हम जब फ्रेंड्स के साथ में होते हैं। तो तीनों जब हम साथ होते हैं तो बहुत मज़ा आता है, खूब इन्जॉय करते हैं हम तीनों। इस तरफ देखो बिल्कुल भी धूप का नामो निशान नहीं है, लेकिन इस एरिया में काफ़ी अच्छी धूप खिली है। तो थोड़ी देर के लिए रुके हैं, थोड़ा फोटो शोटो
लेंगे, रील्स बनाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर। ये देखिए तीनों के हाथ में फोन है, तीनों के हाथ में फोन। ये बकरियां भी आपकी हैं जूरी सी? अभी कहाँ लेकर जा रहे हो इनको? बसंतपुर। बसंतपुर गर्मियों में ऊपर लेकर जाते हैं उनको? लाहौल में थे आप अभी? लाहौल से आए हो अभी? कितनी सारी बकरियां आपके पास? 250 बकरियां ही बकरियां हैं। तो ये पैदल चलती रहती हैं? तो आप गाड़ी में जाते हो? बस थोड़ा बच्चे बच्चे साथ हो, बकरी। पूरी फैमिली साथ में रहती है आपकी? नहीं नहीं। अच्छा भाई और मैं तो जाते हैं कई बार। काफी टफ लाइफ है आपकी, है ना? आपको जंगलों में ही रहना पड़ता है। और ये कुत्ते भी साथ में ही है? ये स्पेशल वेराइटी है ना कुत्ते की, बांध कहते हैं इसको। चलो थैंक यू भैया, हम भी यहीं से हैं, रामपुर से ही। काफ़ी बड़े बड़े कुत्ते, ये सेफ्टी के लिए है ना? तेंदुए से डरते नहीं है ये, डरा देते हैं तेंदुए को, बकरियों को बचाते हैं ये। चलो ठीक है जी, थैंक यू। तो जी रास्ते में चलते चलते हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे पीछे ये जो गन सी है यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए, और साथ में हमें मिले थे बकरी वाले जो होते हैं शेफर्ड्स, उनसे हमने थोड़ी देर बातचीत की। बहुत ही टफ लाइफ होती है इनकी, बहुत सारी बकरियाँ थी उनके साथ, और साथ में थे दो बड़े बड़े से डॉगीज जो कि बकरियों को बचाते हैं तेंदुए से। तो इन दोनों का तो मन ही नहीं भर रहा है फोटोग्राफी से। कहाँ गए भाई, आ जाओ जल्दी। तो जी कैंटीन से आ चुके हैं हम वापस, और अब थोड़ा सा पेट पूजा करने का मन कर रहा है। खाते हैं कुछ चाइनीज़ गर्मा गर्म सूप, साथ में नूडल्स और मोमोज, क्यों जी? तो जी देखिए मोमोज और नूडल्स के साथ कर रहे हैं हम आज का लंच। अच्छा है, टेस्टी है, बहुत अच्छा बनाया गुड़िया। तो जी घर पहुंच चुके हैं हम, अब सामान जो है जो भी हम लेकर आए हैं कैंटीन से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि तीनों ने लाया थोड़ा थोड़ा सामान। हाँ जी, या प्रेशर कुकर, ये देखो प्रेशर कुकर, वाह बहुत सारा सामान लाया इन्होंने, सबसे ज्यादा सामान इन्होंने लिया है, हमारा तो थोड़ा थोड़ा सही था। तो सबसे पहले चेंज कर देती हूँ मैं, उसके बाद जितना भी सामान है हमारा उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। वैसे सामान हम इकट्ठा ही लेकर आए हैं, तो यहाँ देखेंगे जिसका जो भी है करेंगे। तो थोड़ी देर अब बैठेंगे, 2 बजे का टाइम हो रहा है, 1 घंटा है मेरे पास, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सामान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद मेरे बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन वाले। घर के बाद कैंटीन से आने के बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम। शाम के अभी बज रहे हैं 5:30, और अभी तक मैं ये देखिए स्टिचिंग का काम कर रही थी अपना, थोड़ा सा पेंडिंग वर्क है मेरे पास उसको निपटाने की। वैसे पेंडिंग तो क्या होता है, स्टिचिंग का काम तो ना पेंडिंग होता है ना रिसेंट होता है, ये चलता ही रहता है, आते रहते हैं, बनाती रहती हूँ। लेकिन ये इमरजेंसी वाले कुछ एक कपड़े हैं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ होने वाली हैं 2-3 दिन के बाद, तो ये मुझे गर्म कपड़े हैं, थोड़े से 2-4 सूट ही बचे हुए हैं, इनको बना के कम्प्लीट कर दूँगी। हर्षित गया है खेलने के लिए फुटबॉल लेकर, अभी अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बैठा रखा था, साथ के साथ थोड़ा बहुत अपना काम भी कर रही थी और ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। तो अभी जाती हूँ, संदीपा बुला रही है मुझे चाय पीने के लिए। शाम की चाय जो है हम लोग शाम की और दिन की हमारी लगभग चाय सब साथ में ही होती हैं, खासकर मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को अनिल जी आते हैं तो सैटरडे संडे चाय मेरी उनके साथ ही होती है, बाकी के 5 दिनों में अपनी फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती करते हैं हम। आज जो हमने पूरा मज़ा किया, धमाल किया, तो सबसे पहले चाय वाय पी लेते हैं, तब तक हर्षित भी आ जाएगा, उसके बाद की शाम की चाय एक बार और उसके साथ पीनी पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलते हूँ आपसे। तो जी डिनर का टाइम हो रहा है, 8:15 का टाइम है रात का, और ये रागुल बादशाह, ये देखो इसको, भूखे नंगे बच्चे को देखो जरा, खुद तो इसने खाना नहीं खाना है, मेरी थाली से खा रहा है, आराम से गर्म है ये, कैसा है? मलका की दाल तो आपकी फेवरेट है पर आप खा नहीं रहे हो। बिकॉज आई हैव ईटन सो मच टेस्टी डिलीशियस एवर नेवर अ मैन हैज टेस्टेड That kind of पोडू। आज एक्चुअली मेरी फ्रेंड ज्योति ने जो वीडियो मेरे साथ आज थी, उन्होंने पकैन बनाए थे, 2 तो सुबह दिए थे, 1 इसने अभी खाया है, मतलब अभी तक मैंने इसके लिए रखा था, 3 पकैन खाए इसने, ये जो बैठा हुआ। और पकैन देख रहे थे मोटे होते, तभी मैंने 3 खाए, 2 भी मुश्किल से खाते हैं, मम्मा जैसा बड़ा इंसान भी 2 ही खा पाता है। और इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे, हमारी हिमाचल की एक स्पेशल डिश है पकैन, तो आलू के थे ना वो, आलू मैंने तो टेस्ट किया है, आलू के थे। तो थैंक यू, जो सीटों की पिट्टी होती है ना उसके भी बनते हैं, तो थैंक यू नहीं कहना चाहोगे आप ज्योति मौसी को? थैंक यू ज्योति मौसी। आज पूरा दिन हमने बहुत मस्ती की, बहुत मजा आया। आज मैंने आपको आर्मी एरिया दिखाया थोड़ा बहुत, वैसे वहां पे ना वीडियो बनाना फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, पर हमने परमिशन ली थी, वो जो वहाँ पे बाहर थे ना आर्मी वाले जो इधर उधर भाग रहे थे बेचारे भाई लोग, हमारे फौजी भाई, उनसे हमने पूछ लिया था कि हम वीडियो बना सकते हैं। हमें तो पहले एंट्री नहीं मिल रही थी भाई, गाड़ी की चेकिंग हुई प्रॉपर, कौन है, कितने लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, कार्ड उनको दिखाए, तो उसके बाद हमारी एंट्री हुई। फिर एक कैंटीन में थोड़ा बहुत हमें सामान मिला,
दूसरी कैंटीन थी बंद, वहां से भी हमें कुछ सामान लेना था। तो उसके बाद वो दूसरी वाली कैंटीन जो 4 बजे ओपन होनी थी, तब तक हम लेट हो जाते, मेरे बच्चे आ जाते ट्यूशन वाले, फिर हम घर आ गए थे। और कैंटीन के सामान के बारे में थोड़ा बहुत ही आपको बताऊंगी कि कितना मार्जिन होता है। मैं आपको बता दूं, मैंने 1200 का सामान लाया, मतलब जिसका MRP 1200 है, और मुझे वो 575 रुपीज़ में मिला है टोटल सामान। 1200 पे मुझे 600 का डिस्काउंट मिला है, तो आप आइडिया लगा लो कि कितना मार्जिन होता है आर्मी कैंटीन के सामान के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो सामान होता है प्योर होता है और ब्रांडेड सामान मिलता है, जैसे जूते हो गए, जूते चप्पल कपड़े बैग वैग ये सारी चीज़ें, बर्तन बर्तन मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी का होता है सामान। खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है, तो इसीलिए हम कभी कभी निकल लेते हैं। ज्योति के पापा जो है आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो उनके पास कार्ड रहते हैं, तो कभी कभी हम यूं ही चल देते हैं। वैसे जो मेरी फ्रेंड संदीपा है, उनको लेना था कुछ सामान, तो इस वजह से हम दोनों भी चल दिए साथ में। स्कूल से थोड़ा सा मैं निकल गई थी थोड़ा सा पहले, तो अभी तो डिनर कर लेते हैं और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई। मैं अभी तक सिलाई कर रही थी, हर्षित और रजाई में घुस गया, इसको तो अब खाना खाना नहीं, क्योंकि इसने तो पकैन खा रखे हैं जो कि हैं इसके फेवरेट। और ये भी कह रहा था कि अब 2-3 दिन बचे छुट्टी के, कह रहा था कि ऐसे ही टेस्टी पकैन में मामी से कितने बनवाए हर्षित, 15 पकैन बनवाए, सारे हाल हो गए। अभी के हों, आलू के हों, अखरोट के हों, या फिर उड़द की दाल होती ना उसको पीस के, उसकी पिट्ठी भी भरी जाती है, उसमें बड़ा मजा आता है। तो चलिए फिर आज हमने फुल्ली इंजॉय किया तीनों फ्रेंड्स ने मिलकर, काफी समय के बाद हम तीनों एक साथ गए थे कहीं आउटिंग पे, तो बहुत मजा आया। रास्ते में हम जगह जगह रुकते रुकते फोटोग्राफी करते, रील बनाते बनाते आए, तो काफी इंजॉय किया हमने। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, मिलती हूँ अनदर ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मिलती हूँ अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए डू एक्शन कम टू सर्विसेज बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।